हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। आज के इस न्यू वीडियो में हम बताने वाले हैं कि एआरएमआर हार्वेस्टर का क्लिच प्लेट कैसे डालते हैं। सो बने रहे वीडियो में, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साइड के में घंटे का बटन इसको प्रेस कर दिए। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, आपको दिखाते हैं कि एआरएमआर हार्वेस्टर का जो क्लिच प्लेट है वो कैसे। ये हमारा गियरबॉक्स है एआरएमआर हार्वेस्टर का, एंड इसमें जो कि हमारा ऑयल ड्रेन, जिस भाई लोगों को नहीं मालूम है आज वो भी बताने जा रहा हूँ, जो कि गियरबॉक्स ऑयल ड्रेन करते हैं वो 17 नंबर का जो रिंग रहता है उसको, ये जो बड़ा सा बोल्ट रहता है इस पर लगाना है, इसको खोलना है। खोलने से आपका जो ऑयल है वो ड्रेन होना शुरू हो जाएगा। तो जैसे कि हम इसको अभी खोलने जा रहे हैं, चलिए आपसे खोलने के बाद मिलते हैं। देख सकते हैं ये मैं दिखा रहा हूँ, यही है मेन बोल्ट जो कि ऑयल ड्रेन करता है। ओके, जैसा कि मेरा जो ये ऑयल का ये बोल्ट है वो ढीला हो चुका है, एंड मैं इसको ड्रेन करने जा रहा हूँ। देख सकते हो कुछ इस प्रकार ये खुलता है, ऐसे ही आपको भी खोल लेना है अगर आप क्लिच प्लेट चेंज कर रहे हो तो। आपको भी ऑयल ड्रेन करना कंपलसरी, इसको आपको ऑयल को ड्रेन करना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर वहीं से आपका जो क्लिच प्लेट आप निकालोगे वहीं से आपका जो ऑयल है वो निकलना शुरू हो जाएगा। जैसे कि मैं अभी ऑयल निकाल रहा हूँ, जो मेरा वोल्ट है, ये वोल्ट है, इस बोल्ट को आप अगर ढीला कर देते हो, इसको निकाल देते हो तो ऑयल आना शुरू हो जाता है। ये जल्दी 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 कुछ इस तरीके से ऑयल ड्रेन हो जाता है, देख सकते हैं। कुछ ऐसे 15 मिनट से आधा घंटे के अंदर आपका जो ऑयल है वो ड्रेन हो जाएगा। रेड रेड दबा, रेड दबा, रेड। जो ऑयल भी हमारा जो है, आप देख सकते हो ये एकदम ब्लैक हो चुका है, एंड इसका जो क्वालिटी है वो भी उतना खास नहीं रहा, इसीलिए इसको ड्रेन करना तो कंपलसरी था ही। और हमारा जो कि लेफ्ट साइड जो कि है ये हार्वेस्टर, वो कटिंग भी नहीं हो रहा है, सो इसी वजह से हम इसको चेंज कर रहे हैं। तो क्लिच प्लेट बहुत लोगों को, जो नए ऑपरेटर हैं या नए ड्राइवर हैं, उनको नहीं मालूम रहता कि भाई कैसे क्लिच प्लेट डालते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में पूरा हम आपको फुल डिटेल में बताएंगे, स्टेप बाय स्टेप कैसे कैसे जो कि है आपको क्लिच प्लेट डालना है। सो जैसे कि अब हमारा ये ऑयल है जो ड्रेन होना हो रहा है। सो गाइज, जैसा कि आप देख सकते हो अभी 10 मिनट हो चुके हैं, एंड हमारा जो ऑयल है वो ड्रेन हो चुका है, थोड़ा बहुत बचा हुआ है। सो हम अपना जो काम है वो स्टार्ट करना चाहते हैं, जो कि क्लिच प्लेट का है। आज का जो टॉपिक है वो क्लिच प्लेट का है। तो क्लिच प्लेट ये है, देख सकते हो इसमें 6 वोल्ट रहते हैं ओनली। इस 6 वोल्ट को आपको खोल लेना है, खोलने के बाद इसको बाहर निकालते हैं तो इसके साथ ही क्लिच प्लेट इसके साथ ही एडजस्ट रहता है, उसको आपको निकाल लेना है। निकालने के बाद नया जो क्लिच प्लेट है वो डाल देना है, उसको मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आगे वीडियो में दिखाऊंगा। चलिए तो गाइस, कुछ इस तरीके से जो कि है आपको ये बोल्ट निकाल लेना है, एंड स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही एक एक करके पहले लूज कर लीजिए, उसके बाद इसको निकालिए तो बेस्ट रहता है। कुछ इस प्रकार आपको इसको खोल लेना है, खोलने के बाद आपको इसके अंदर ही जो कि एक क्लिच प्लेट मिलता है एआरएमआर हार्वेस्टर का, एंड जो कुबोटा वगैरह होता है उनका थोड़ा अलग सिस्टम है, जो अगर मैं कभी उसको चलाता हूँ तो उसके बारे में आपको बताऊंगा, नॉलेज उसके बारे में दूंगा। चलो कर, ठीक है। सो गाइस, कुछ इस तरीके का जो है क्लिच प्लेट आपको दिखा, ऐसे निकलने का, यहाँ ऐसे यहाँ पे जो दिखा यहीं से निकलता है क्लिच प्लेट हमारा, जो एक दो प्लेट जो कि अभी रह चुका है वहां अंदर, तो कुछ इस तरीके का क्लिच प्लेट रहता है आप देख सकते हो। एंड इसी तरीके से आपको भी क्लिच प्लेट डाल लेना है, एंड इसी तरीके से आपको भी अपना जो कि है हार्वेस्टर का क्लिच प्लेट चेंज करना है। सो गाइस, देख सकते हो जो कि क्लिच प्लेट है हमारा वो एकदम बेकार हो चुका है, एकदम उसमें जो कि है ये जो यहाँ से देख सकते हो रबड़िंग है, जो ये एकदम खराब हो चुका है, नहीं है आधा तो एकदम बेकार वेस्ट हो चुका है। एंड इसके अंदर अभी निकालने के बाद मालूम पड़ेगा कि कैसे आपको, इधर भी ये दोनों साइड देख सकते हो एकदम बेकार हो चुका है। तो चलिए अब मैं इसको असेंबल करने के बाद आपसे मिलता हूँ, असेंबल करने के बाद नहीं, आपको दिखाता हूँ असेंबल कैसे होता है। इसको निकालते कैसे हैं, ऐसे ही आपको ये जो एक ओरिंग है इसको निकालना पड़ेगा, इसको निकालने के बाद
जो कि आपका जो क्लिच वो है वो निकल जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ स्टंप पे। को बना ओके, लीजिए, जल्दी था जाना। सो कुछ इस तरीके का रहता है गाइस। उसके बाद आपको एक ये स्टील प्लेट एंड एक क्लच प्लेट, अब देख सकते हो एकदम बेकार हो चुका है, घिस घिस के इसका पूरा हाल बेहाल हो चुका है, कुछ भी नहीं है क्लच प्लेट में, खत्म, बिल्कुल एकदम खत्म हो चुका है ये क्लच प्लेट। ये है, ये हमारा अच्छा है, ये हमारा काम पे आता है, ठीक है, लेकिन ये ही है क्लिच प्लेट हमारा जो वेस्ट हो चुका है, हम इसको वेस्ट मटेरियल इधर रखने वाले हैं। एंड ये जो हमारा देख सकते हो बिल्कुल एकदम बेकार हो चुका है क्लिच प्लेट। ये फिर भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये खराब हो गया क्लिच प्लेट। ये भी खराब है, ये भी खराब है, सो गाइस अभी मैंने पूरा इसको निकाल लिया है। अभी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूँ कैसे आपको इसको असेंबल करना है। तो मैं न्यू प्लेट जो की है वो आपको एकदम इजी है, वो न्यू प्लेट जो है वो मैं आपको डाल के दिखाता हूँ कि कैसे न्यू प्लेट डाले हैं, डालते हैं। तो इस तरीके का हमारा जो प्लेट है वो है 9 जो की है हमारा प्लेट है, आप इधर देख सकते हो, ये आप गिन सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आपको एक साइड में 9 प्लेट जो कि आपको डालना होता है। और ऐसा ये जो प्लेट है ये देख सकते हो कुछ इस तरीके का हमारे पास प्लेट है, तो 9 प्लेट जो कि आपको डालना पड़ेगा। तो चलिए मैं आपको डाल के दिखाता हूँ। तो कुछ इस तरीके से गाइज एक प्लेट, एक स्टील प्लेट जैसे निकाले थे वैसे ही आपको डालना पड़ेगा। ये बाज में डिफरेंस लग रहा है, मुझे थोड़ा डिफरेंस ठीक है, ठीक है। ये गाड़ी में आ रहा था उधर से पार्टी वाला, ठीक है, पार्टी वाला हमारा गाड़ी भी हो गया। हाँ, गाड़ी का भी कर देंगे अभी थोड़ी देर में, 1 घंटा बहुत टाइम। हाँ अभी देखेंगे, थोड़ा अभी ग्रेसिंग व्रेसिंग बाकी है ना, ग्रेसिंग करने के बाद पार्टी आने दो। हाँ, पार्टी को आने दो, कोई दिक्कत नहीं। कितने प्लेट डाल दे रहे हैं? 3।
ओके ये 20,000 का काम कर रहा हूँ। 20,000 हाँ, पूरा गियर बॉक्स का निकाल के सेट को बोलो 20 देने को। ओहो, मैकेनिक बुलाना पड़ता है इसको। अच्छा, तो ऑयल पूरा पूरा निकालना पड़ता है। बाकी तो मैं घर में रह रहा हूँ। ठीक है हाँ, दूध पीते। हेलो, हाँ रवाना, ఇంకొక 2 గంటలు పడుతుంది ఇడా, ఇక్కడ పెద్ద ప్లాట్ దొరికింది, ఇది కోసుకొని అటు వస్తే అందుకనే ఇక్కడ పోసిన దగ్గర అయితే కొంచెం ఆయిల్ గీలు మార్చుకుంటారు వాళ్ళు. పార్టీ వాళ్ళ ఓకే బైక్ దేతే మే ఫోన్ కర్తా తుమ్కో తుమ్కో ఫోన్ కర్తా తుమ్ బోల్నా ఉన్కో ఓకే డీజిల్ కన్ ఓకే దరే పార్టీ వాళ్ళ ఓకే ఓకే तो गाइस कुछ इस तरीके से 9 जो कि ये प्लेट आपको डाल लेना है। डालने के बाद कुछ इस तरीके से ये जो लॉक है इसको इस तरीके से आपको डाल देना है इस पे। ये हो चुका है लॉक हमारा, कुछ इस तरीके से आपको लॉक कर देना है, देख सकते हैं ये हो चुका है। एंड ये जो है ये सबसे लास्ट एंड में ऐसा फिटिंग हो जाता है। होने के बाद आपको ऐसे कुछ इस तरीके से उठाना है इसको, उठाने के बाद डाल देना है। तो गाइस कुछ इस तरीके से जो कि है आप अपना जो कि है अगर क्लिच प्लेट खत्म हो जाता है तो कुछ इस तरीके से आपको भी डालना है, जैसे कि मैंने स्टेप बाई स्टेप बताया। वीडियो थोड़ी लंबी जरूर हो रही है लेकिन आपको जो स्टेप बाई स्टेप को मालूम पड़ रहा है कि कैसे क्लिच प्लेट डालते हैं। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, एक साइड का जो कि है कटिंग नहीं होता है बिल्कुल, बहुत प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं ऑपरेटर को। सो जैसे कि मैंने इसको पूरा जो कि फाइनल फिटिंग कर दी है इसकी, तो चलिए अब हम इसका जो कि हम मेन फिटिंग करते हैं, उसके बाद हम आपको चला के दिखाएंगे कि हाँ कैसा चल रहा है या नहीं। ओके, तो चलिए फिटिंग करते हैं। तो गाइस कुछ इस तरीके से आपको भी डाल देना है। डालने के बाद कुछ इस तरीके से जो कि है सेटिंग आपको बिठा लेना है। बिठाने के बाद धीरे धीरे उसको एकदम सेटिंग पे लेना है। सेटिंग पे लेने के बाद आपको यहाँ पे जो कि बोल्ट से कसना है, जैसे कि मैं अपना जो कि है सेटिंग पे ले लिया है। लेने के बाद अभी हमारा जो भी मेन काम है उसको सेटिंग करना है, जिस तरीके से जो कि है बोल्ट पे आपको बिठा लेना है, एकदम फिक्स आपको बिठाना है पूरा दोनों चारों तरफ। आप जो कि 6 वोल्ट है उसका बोल्ट का थ्रेड देख लेना है। देखने के बाद आपको अच्छे से उसको बिठाना है, मैनेज करना है, मैनेज करके बिठाना है। बिठाने के बाद आपको जो कि है उसका जो थ्रेडिंग है, थ्रेडिंग को आपको एक बार दोबारा से चेक करना है। चेक करने से अगर नहीं आता थोड़ा इस तरीके से आपको घुमाना है, इसको घुमा के ये जो एक पॉइंट टाइप का होता है ना इसको आपको देखना है। ठीक है, ये दोनों एक इस साइड रहता है एक नीचे की साइड रहता है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। अगर ये नहीं आ रहा है तो आपको थोड़ा घुमा के भी सेट करना पड़ेगा इसको। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपको सेट कर लेना है, जैसे कि मैं सेट करके आपको दिखाता हूँ। कुछ इस तरीके से मैं घुमा रहा हूँ इसको, घुमा के इसको ऊपर साइड लेना है। ऐसा घुमा के थोड़ा क्लिच प्लेट को भी जो कि है सॉल्व कर देना है, जो कि फिटिंग अच्छा हो जाए। ठीक है, आपको देखना है कि फिटिंग जो कि है हमारा वो सही रहना है, एकदम फिट। ठीक है, जो कि हमारा ये है वो एकदम फिटिंग हो चुका है। एंड हमको सिर्फ अब बोल्ट कसना है। बोल्ट कसने से हमारा जो कि क्लिच प्लेट जो कि हम
कर चुके हैं, किल स्प्लिट को हमने डाल दिया है, ठीक है, उसका हमारा टेंशन क्लियर हो चुका है। अभी हमको सिर्फ 6 वोल्ट डालना है एंड ऑयल डालना है, चेक करना है, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो खोल के हम दोबारा देख सकते हैं, लेकिन अगर नहीं है प्रॉब्लम तो ओके, ठीक है, देन आप इसको चला सकते हैं, ठीक है। चलो कर बता दो। सो गाइज, कुछ इस तरीके से हमारा जो सेटिंग एंड फिटिंग हमने कर दी है, अब हम इसको नट को जो कि ये टाइट दे रहे हैं, इसको टाइट करने के बाद हम डालेंगे इसमें ऑयल, दोबारा से गियर ऑयल डालेंगे। डालने के बाद जो कि है स्टार्ट करके चेक करेंगे कि हमारा जो हार्वेस्टर है वो कटिंग कैसा कर रहा है, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो हमको फिर दोबारा से निकाल के देखना पड़ेगा। अगर ऐसा भी हो सकता है, कभी कभी गियर में भी प्रॉब्लम रहता है, लेकिन हमको जो देखने को मिली है वो क्लिच प्लेट का, जो कि मैं पहले वीडियो में दिखा चुका हूँ कि जो कि क्लिच प्लेट हमारा जो कि है एकदम बेकार हो चुका था, मैंने आपको दिखाया भी है। सो इसी वजह से शायद ये कटिंग नहीं कर रहा होगा, लेकिन अभी हम आपको चेक करके बताएंगे कि आखिरकार कैसा कटिंग कर रहा है। तो चलिए इसको फिटिंग करने के बाद आपसे मिलते हैं।